कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिली थी। लगातार खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो रही। इन सब के बीच बिहार सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। विधान परिषद में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ऑक्सीजन एवं उपकरणों की नहीं होने से रोग की गंभीरता पहचानने में त्रुटि के कारण किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। गत विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधु ने बुधवार को यहां ग्रुप जे के हांगकांग की एनवाई चियुंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक की महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा की प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने दुनिया के 34वें नंबर की खिलाड़ी चियुंग को 35 मिनट चले मुकाबले में 21-9, 21-16 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। सिंधु की चियुंग के खिलाफ 6 मुकाबले में यह छठी जीत है। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में ग्रुप में आई। शीर्ष पर रहने वाली डेनमार्क की दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी मिया बिल्चफेल्ट से भिड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बाराबंकी इलाके में रामसनेही घाट के ढाबे के पास खड़ी बस में ट्रक से पीछे टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक सवार 18 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रहे थे। करीब 100 लोग सवार थे। बस रास्ते में अचानक खराब हो गई। सभी मजदूर बस ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ यात्री बस से उतरकर सड़क पर खड़े रहे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज बाराबंकी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुधवार के दुशांबे में शुरू हो रही संघई सहयोग संगठन की एक बैठक में क्षेत्र में आतंकवाद तथा अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयासों की पैरवी किए जाने की उम्मीद है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग के भी SCO बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे। इस दौरान वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा अफगानिस्तान में तेजी से बदल रही सुरक्षा स्थिति पर विमर्श एवं क्वाड तंत्र के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को विस्तारित करने जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। ब्लिंकन की नई दिल्ली यात्रा के साथ ही वाशिंगटन ने भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति और अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार करार दिया। गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार फिलहाल सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में कार्यरत अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। अस्थाना की नियुक्ति 31 जुलाई को उनके सेनावृत्त होने से कुछ दिन पहले हुई। उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। कर्नाटका में BS येदुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब बसवराज बोम्मई को जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कर्नाटक पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बसवराज बोम्मई कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक BS येदुरप्पा ने बसवराज बोम्मई का नाम का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में बसवराज बोम्मई को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक गांव में बादल फट गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 30 से 40 लोग लापता होने की खबर है। दरअसल जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ा जिले में होंजर गांव में बुधवार तड़के बादल फट गए, जिसके बाद आई इस आफत में कम से कम 4 शव बरामद किए गए और कई के लापता होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य जारी है, इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। केंद्र सरकार ने UAPA के तहत दर्ज केसों के आरोपियों का खुलासा करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद को बताया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत दर्ज लोगों के नामों का खुलासा करना आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामलों को प्रभावित कर सकता है और यह व्यापक जनहित में नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2020 में अधिनियम UAPA के तहत 34 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 मामले दर्ज किए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आफत आई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग लापता हैं। आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 9 लोग लापता हो गए, जबकि चंबा जिले से एक अन्य व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली है।